बिस्मिल्लाह नहीं अस्सलामुअलैकुम फैमिली किचन में आज हम बनाएंगे चिल्ली पटैटो। तो चलिए शुरू करते हैं आज का रेसिपी। ये मैं 4 मीडियम साइज का आलू ले ली हूँ और इसको कट कर लूँगी। ये आलू को हम धो लेंगे अच्छे से। पानी को हम उबाल आने देंगे। तो पानी में उबाल आ गया है, अब यहाँ पे हम डाल देंगे आलू को। यहाँ पे नमक डाल देंगे। आलू को हम 1 मिनट उबालेंगे, बस ज्यादा नहीं। आलू जो है वो उबल गया है, मैं गैस को ऑफ करती हूँ। निकाल लेंगे। तो 2 चम्मच हम कॉर्नफ्लोर ले लेंगे, 2 चम्मच मैदा ले लेंगे, 1 चुटकी सोडा डाल देंगे, इसमें मीठा सोडा है, 1 चुटकी बेकिंग पाउडर डालेंगे, 1 चम्मच सेजवान सॉस डालेंगे, 1/2 चम्मच डालेंगे अदरक लहसुन पेस्ट। तो थोड़ा थोड़ा पानी डाल के हम पेस्ट बना लेंगे। अच्छे से घोल लेंगे, एक भी लम्स नहीं रहना चाहिए। ये हमारा बेटर जो है तैयार हो गया है। तेल डाल देंगे, तेल को अच्छे से गर्म होने देंगे। अब इसमें हम डाल देंगे इस तरह से आलू को एक एक करके। तो इसको अलट पलट के हम अच्छे से फ्राई कर लेंगे आलू को। अभी सिंगल फ्राई करना है तो हम निकाल लेंगे, फ्राई करेंगे, फिर डबल फ्राई करेंगे ठंडा करके। एक फ्राई पैन रख दिए, इसमें 1 चम्मच तेल डाल देंगे, इसमें लहसुन डाल देंगे, अदरक डाल देंगे, मरीच कटी हुई को फ्राई कर लेना है। यहाँ पे डाल देंगे हरी मिर्च, फ्लेम को लो रखना है, प्याज डाल देंगे, थोड़ी सी हरी प्याज डालेंगे, शिमला मिर्च डालेंगे, गाजर डालेंगे, 1 से 2 मिनट भून लेंगे। सेजवान चटनी है ये डालेंगे 2 चम्मच, 1 चम्मच विनेगर डालेंगे व्हाइट विनेगर, 1 चम्मच सोया सॉस डालेंगे, 2 चम्मच टोमेटो सॉस डालेंगे, अच्छे से मिक्स कर लेंगे, नमक डालेंगे टेस्ट के हिसाब से, थोड़ा सा पानी डाल देंगे। आलू को दोबारा से फ्राई कर लेना है। आलू जो है क्रिस्पी हो गया है। ये हरा प्याज डाल देना है, यहाँ पे काली मिर्च डालेंगे 1/2 चम्मच, 1 चम्मच शहद डालेंगे, मिक्स कर लेंगे, 1 चम्मच आराम से जवान सॉस डालेंगे, 1 चम्मच हम तिल डालेंगे, बीच में हम आलू डाल देंगे, इसको मिक्स कर लेना है। 1 चम्मच हम कॉर्नफ्लोर को घोल लेंगे, इसको डाल देते हैं। ये हमारा क्रिस्पी क्रिस्पी चिल्ली पोटैटो तैयार है। क्रिस्पी क्रिस्पी चिल्ली पोटैटो हमारा रेडी हो गया है। तो रेसिपी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम।